एवरीवन, आज के वीडियो में शेयर करने वाली स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। गाइस, हमें स्किन केयर के लिए एक बहुत ही अच्छी सी रूटीन फॉलो करनी चाहिए। बेसिक स्किन केयर डेली एवरीडे रूटीन में आपको ऐड करनी चाहिए। एंड साथ ही साथ हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि स्किन केयर फॉलो करने के बाद भी होती है। वो सारी प्रॉब्लम्स है पिगमेंटेशन, सनबर्न या फिर बहुत सारे व्हाइट हेड्स एंड अनइवन स्किन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो आपके बेसिक स्किन केयर के बावजूद भी स्किन में आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि सन टैन हमारी स्किन में आने का मेन रीज़न है। सनस्क्रीन तो अप्लाई करते हैं बट दिन में एक बार, सनस्क्रीन हमें दिन में एक बार अप्लाई करके और छोड़ देते हैं, हमें वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सनस्क्रीन मिनिमम 3 से 4 बार यूज़ करनी है। हमें 2 से 3 बार स्किन को जब भी वॉश करो नॉर्मल वाटर से, उसके बाद सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो। इससे क्या होती है, सन से हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता। और फेस वॉश की बात करिए तो फेस वॉश जो भी मार्केट में फेस वॉशेस आते हैं वो हमें स्किन को इंस्टेंटली क्लियर कर देते हैं। हमारी स्किन के जितने भी डॉट होते हैं उसे निकाल देते हैं, इससे हमारी स्किन की पिगमेंटेशन दूर नहीं होती। तो इसके लिए हम एक DIY फेस वॉश बनाएंगे जो कि बहुत ही ईजिली बन जाएगी और उससे हमारी स्किन की सारी पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी। साथ ही हमारी स्किन इंस्टेंट क्लियर हो जाएगी और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल्स बताऊंगी, उससे आपकी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक बार मैजिक हो गया, आपने यूज़ किया और दूसरी बार आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी ही ना पड़े, ऐसा नहीं होता है। ये DIYs है तो आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना है। चीज़ों जो भी मैं बनाऊँगी उससे आपके स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ ना रिड्यूस होंगे बल्कि आपकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। इनको हेल्दी स्किन को क्लियर बनाने के लिए ना सिर्फ आपको बाहरी बल्कि आपको अंदर से भी क्लियर होना है, अंदर से भी हेल्दी रहना है। इसके लिए आपको दिन में 10 से 12 ग्लास पानी पीनी है, वेजिटेबल्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है, हमारी बॉडी अंदर से हाइड्रेटेड रहेगी, अंदर से हेल्दी रहेगी तो ग्लो अपने आप हमारे फेस पे आ जाता है। तो इसीलिए एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल को भी एकदम हाइड्रेटेड रखें, अपनी स्किन की केयर करें अच्छे से। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वॉश के लिए लूँगी 1 टेबल स्पून व्हीट फ्लावर एंड 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क। आप चाहो तो कर्ड भी ले सकते हो और लेके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी। इसे 3 से 4 मिनट तक रब करूँगी जिससे मेरा सारा डर्ट निकल जाए, सारा पिगमेंटेशन निकल जाए। ये बहुत ही अच्छा DIY फेस वॉश है। इसे अगर आप डेली एज अ फेस वॉश यूज़ करते हो तो आपके स्किन पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक हफ्ते अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हो तो एक हफ्ते बाद अपना फेस पे चेंज देख पाओगे, स्किन कितनी ज़्यादा स्मूथ एंड क्लियर हो जाती है। ये फेस वॉश हमारी स्किन के डलनेस को भी रिड्यूस करता है, स्मूथ बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी हो जाती है। चेहरे पे काली झाइयाँ हैं तो वो भी निकल जाती है इससे। जहाँ पे आपके पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे इसे अच्छे से रब करें जिससे आपकी पिगमेंटेशन एकदम कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और मेरा 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब मैं नॉर्मल वाटर से इसे धो दूँगी। आपको नॉर्मल वाटर से ही एकदम क्लीन करना अपने फेस को। और मेरा फेस हो गया क्लीन। मैं यहाँ पे अपने स्किन को टैप टैप करके अपने पूरे फेस को ड्राई कर लूँगी टॉवल हैंगी की हेल्प से। बाद में अपना नेक्स्ट DIY बनाऊँगी जो सन से रिलेटेड प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। अगर आपके फेस पे सनबर्न है तो उसे रिड्यूस कर देगा। उसके लिए चाहिए हमें 1 टेबल स्पून ग्राम फ्लोर। आपको सूट नहीं करता तो आप सैंडलवुड पाउडर भी ले सकते हो, 1 पिंच टर्मरिक एंड 2 टेबल स्पून पटेटो जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। इससे आपकी सनबर्न की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, साथ ही सन से जो आपकी स्किन डैमेज हो गई है उसे भी ठीक कर देता है। आपके टीनोज एरिया में जो सन टैन होती है, आपके चिन एरिया में जो ब्लैक हो जाती है सन टैन की वजह से, ये उसे भी रिड्यूस करता है। और हफ्ते में अगर आप इसे 2 बार लगाते हो तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और इसे यूज़ करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको सनस्क्रीन छोड़ देना है, आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है अपने फेस पे। बट ये सन से प्रॉब्लम जो होती है उसे रिड्यूस करता है, बट सनस्क्रीन आपको कभी नहीं छोड़ना है। सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें, दिन में 3 बार 4 बार, अगर ना हो सके तो कम से कम 2 बार ज़रूर यूज़ करें। और मेरा पूरे फेस पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर ली है और इसे 10 से 12 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। और जब सेमी ड्राई हो जाए तो इसे मैं हल्के हाथों से रब करूँगी और रब करके इसे निकाल दूँगी। फेस सेमी ड्राई हो चुका है और इसे हल्के हाथों से मैं रब करूँगी जिससे सनबर्न निकल जाए इससे। और अच्छे से रब करने के बाद मैं नॉर्मल वाटर से, आपको हमेशा फेस को नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से ही क्लीन करना होता है। आप चाहो तो आप टॉवल हैंकी को
भिगा के उससे भी क्लीन कर सकते हो अपने फेस को, बट मैंने यहाँ पे अच्छे से अपने क्लीन किया है पानी से। फेस बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई है, कोई सनबर्न नहीं दिख रही है मेरे फेस पे। ये स्किन के जितने भी टैन होते हैं उसे रिमूव कर देता है बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्मूथली। अच्छे से कर लिया है ड्राई और अब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट DIY जो है फेस पैक। फेस पैक में 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और आप इसे कर्ड या फिर मिल्क में, रॉ मिल्क में मिला के अच्छे से इसका पैक बना लो और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करो। फेस पैक आपको हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आप कोई भी फेस पैक जो आपको सूट करता हो वो अप्लाई करें। कॉफ़ी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बिकॉज अपनी स्किन की टाइटनिंग के लिए, कॉफ़ी स्किन टाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और ऑरेंज पील पाउडर, इसमें भर भर के विटामिन सी है जिससे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लियर ग्लोइंग हो जाती है। इससे हमारी जो पिंपल के जो भी दाग होते हैं वो इसे निकाल देता है बहुत ही अच्छे से। आपको 2-3 बार जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि पिंपल के दाग कितने ईजिली निकाल देता है ये। और इस फेस पैक को अगर नाइट टाइम में यूज़ करते हो तो आपकी स्किन सुबह इतनी ज़्यादा क्लियर और ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। और जो भी फेस पैक आप यूज़ करते हो उसे हमेशा कोशिश करना कि नाइट टाइम में यूज़ करें बिकॉज नाइट टाइम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आती है, बिकॉज उस टाइम हमारी स्किन एकदम रिलैक्सेशन मोड में होती है। जब आप फेस पैक अप्लाई करते हो तो इसके बाद आपको धो के सो जाना होता है, तो इससे क्या होती है स्किन बहुत ही ज़्यादा एकदम फेस पैक अच्छे से वॉक कर पाता है। और दिन में आप करते हो तो आपको उसके बाद थोड़ी ना थोड़ी सन रेज लगती है आपके फेस पे, तो वो बहुत ही अच्छे से काम नहीं कर पाता जितने कि रात में करता है। इस फेस पैक को मैं हल्का सा रब करके लगाऊंगी और 5 से 7 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके बाद जब ये सेमी ड्राई हो जाए तो हल्का अपने फेस पे वाटर या फिर रोज़ वाटर स्प्रे करके मैं फेस को धो लूँगी। सो मैंने कर लिया अपने फेस को वॉश और फेस मेरी बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई है। एंड देन मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर रोज़ वाटर। मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर स्प्रे किया है, आप चाहो तो रोज़ वाटर को कॉटन में अप्लाई करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद मैं थोड़ा टैप टैप कर लूँगी अपने फेस पे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले मेरे स्किन रोज़ वाटर को। और फिर 2 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी। 2 मिनट के छोड़ने के बाद आपको एलोवेरा जेल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा है एलोवेरा जेल। इससे आप बहुत ही अच्छी स्किन को, अगर आपकी स्किन है और मॉइस्चराइजर से आपकी स्किन बहुत और भी ज़्यादा ऑयली या फिर काला पड़ जाता है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ करो बिकॉज ये बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही स्मूथनिंग भी प्रोवाइड करता है। एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो आपकी जो भी स्किन है आप इसे यूज़ कर सकते हो। और समर्स में हमें ज़्यादा मॉइस्चराइजर की नीड होती नहीं है, इसलिए एलोवेरा जेल ज़रूर यूज़ करें। अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है एंड देन आपको छोड़ देना है।